नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर फैंटास्टिक चैप्टर दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। साफ इंग्लिश बोलने का, हमारे रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे हैं जो गाउटी इंग्लिश बोलते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माय रिलेटिव, वो एक बार डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास बाहर जाके रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि हमको अपार्टमेंट चाहिए। तो रिसेप्शनिस्ट उसको बोलती है, ऐसे देखती है, बोले क्या चाहिए? तो बोला अपार्टमेंट चाहिए। तो बोले सर बहुत महंगा है पूरा अपार्टमेंट। अपार्टमेंट नहीं अपॉइंटमेंट। तो बोलते अपॉइंटमेंट नहीं, हमको अपार्टमेंट ही चाहिए। तो ऐसा होता है, गांव का इंग्लिश बोला मत करो, मर्डर हो जाता है कॉन्सेप्ट का। ओके, सो द चैप्टर इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कभी सोचे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्वांटिटी होता है यूरिन का। इंसान कितना यूरिन पास करता रहेगा, फिश कितना यूरिन पास, सर फिश यूरिन पास करती है क्या? पानी में जाके देखना पड़ेगा, पानी कौन सा यूरिन कौन सा, बताओ इसमें से पानी कौन सा और फिश का यूरिन कौन सा है। हाँ ये सब कॉन्सेप्ट है, फिश भी यूरिन पास करती है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, सो इनमें यूरिन का क्वांटिटी, वाटर का कंजर्वेशन कितना होता है, वो सब हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं तुमने लास्ट लेक्चर देखा है ध्यान से। लास्ट लेक्चर में बहुत सारी बातें की थी हमने, कॉन्सेप्ट्स की बातें की थी। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे बैड ब्रेथ आई, मुझे बैड ब्रेथ आई, दैट इज ऑनियन एंड गार्लिक। ऑनियन एंड गार्लिक आफ्टर कंजम्पशन प्रोड्यूसेस एलिनेज, एक एंजाइम है जो बॉडी में एलिसिन नाम का वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करता है। दीज वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम द स्पाइसेस दे गो फ्रॉम अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड दे गो इनटू द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स दे आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। फिर तुम बोलते हो मुझे बैड ब्रेथ आई, मुझे बास आई। ओके, सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है बेटा एक्सक्रीशन चैप्टर में। हमको पसीना आता है, पसीने को बोलते हैं परस्पिरेशन। ये भी बॉडी से कचरा बाहर फेंकने की एक टेंडेंसी है बेटा। बायोलॉजी हमेशा अपने आप में एक अमेजिंग सब्जेक्ट रहता है, और जिनको ये अमेजिंग नहीं लगता है उनको पता ही नहीं बायोलॉजी में होता क्या क्या है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स की। एक्सक्रीशन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म तीन तरह के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में से अमोनिया बाहर फेंकते हैं, और इस अमोनिया फेंकने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनोटेरिज्म। फिर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में से अमोनिया नहीं निकलता है, वो यूरिया बाहर फेंकते हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज यूरियोटेरिज्म। Whereas there are certain organisms which do not excrete ammonia, they do not excrete urea, but they excrete uric acid. And this process of excreting nitrogenous waste in the form of uric acid is called as uricotelism. इस आंसर को आसान बनाने के लिए अवस्थी सर ने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, और जो फर्स्ट वाला कॉर्नर वाला सेक्शन रहेगा वो होगा हमारा पॉइंट्स। सो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर लेंगे, ताकि अगर हमको एक पे भी शॉर्ट नोट पूछा या एमसीक्यू पूछा, हम लोग हमेशा तैयार है बायोलॉजी के लिए, तो हमेशा तैयार। आधी रात को भी उठा के पूछा ना तो जवाब दे देगा, वो भी नींद में, वो भी राइट आंसर। ओके, अब पॉइंट्स के संबंध में पहला बेसिक पॉइंट शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी विल कंसीडर इज चीफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। अमोनोटेलिज्म में सबसे मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। यूरियोटेलिज्म में सबसे मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, that is urea. Uricotelism में the chief nitrogenous waste product is uric acid. Remember that is the formula for uric acid. अब होता ऐसा है बच्चों कि कैसा ना, अलग अलग जानवर में अलग अलग तरह का कचरा निकलता है।
बट सारे कचरे में कॉमन बात यह है कि सारा कचरा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। हर वेस्ट के अंदर नाइट्रोजन होता ही है। क्यों नाइट्रोजन होता है? क्योंकि नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं, और सारे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में प्रोटीन्स होता ही है। सो प्रोटीन्स जब इस्तेमाल होता है तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड जब आगे और टूटता है तो उसमें से जो कचरा निकलता है ना, वो अल्टीमेटली नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। अब कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सारे बचे कुचे अमीनो एसिड्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और अमोनिया रूप का कचरा शरीर के बाहर फेंकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म, एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। यानी अमोनिया निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, और वो प्राणी जो अमोनिया निकाल रहा है उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। वैसे द एलिमिनेशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म, बट द एनिमल हु एलिमिनेट्स यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल। यूरिक एसिड बाहर निकाला उसको यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं, पर जिस प्राणी के शरीर में से निकल रहा है ना, उस प्राणी को बोलेंगे यूरिकोटेलिक। समझना मेरी बात, ओके? सो टेलिक टेलिक ऑर्गेनिज्म के लिए टेलिज्म टेलिज्म प्रोसेस है, मैकेनिज्म है। आगे देन आफ्टर ऑर्गेनिज्म वी आर गोइंग टू कंसीडर फॉर्मेशन। ये कचरा तैयार कैसे होता है, अमोनिया कैसे बनता है? एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स, excess of amino acids are broken down in the liver through a process called as a deamination, and then ultimately what does it form? It forms ammonia. So हमारे body में ammonia बनता कैसा है? Okay, organisms के body में क्या होता है ना, जितना भी extra amino acid है जो शरीर में आप किसी काम का नहीं है, so liver उसको तोड़ता है, उसमें डीएमिनेशन करवाता है, यानी उसमें से अमीनो ग्रुप बाहर निकालता है, फिर बाद में जो बचा कुचा कचरा रहता है वो है अमोनिया। नेक्स्ट, यूरिया कैसे बनता है? यही अमोनिया, इसके साथ एक साइकिल होता है जिसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल में बहुत सारे केमिकल कन्वर्जन होते हैं, ओके? फिर ये अमोनिया अलग अलग केमिकल में कन्वर्ट हो के अल्टीमेटली ये क्या बनाता है? यूरिया। यूरिया से रिलेटेड ये याद रखना कि एक यूरिया का मॉलिक्यूल बनाने के पीछे 3 ATP खर्चा होता है। एटीपी यानी अवस्थी तगड़ा पढ़ाता है, याद रख। ऐसा एग्जाम में मत लिखना, मारेगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो एक यूरिया बनाने के पीछे 3 ATP खर्चा होता है, इतना याद रखने का बेटा, ओके? और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रेब्स एंड हैंसेलेट। ये ऐसा अजीब नाम क्यों है? गोरा लोग है ना, वेस्टर्न कंट्री का। हैंसेलेट एंड क्रेब्स, ओके। आगे यूरिक एसिड कैसे बनता है? इसी अमोनिया के साथ एक और रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं आइनोसिनिक एसिड पाथवे, ओके? एंड अल्टीमेटली व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स यूरिक एसिड। सो ये फॉर्मेशन वाला पॉइंट सबका याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉक्सिसिटी। तीनों में सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। यूरिया, यूरिया इज मीडियम टॉक्सिक। व्हेन आई से हाईली टॉक्सिक, दैट मींस इट हैज टू बी रिमूव्ड क्विकली। इसको बॉडी में हम लोग रख नहीं सकता ज्यादा देर तक। यूरिया इज मीडियम टॉक्सिक, सो आई कैन से इट इज मॉडरेटली टॉक्सिक।
एंड यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक. नेक्स्ट, वॉटर सोल्यूबिलिटी. अमोनिया इज रेडिली सोल्यूबल इन वॉटर, तुरंत डिसॉल्व हो जाता है. Whereas urea and uric acid, they are less soluble in water. Next, water which is needed for elimination. वॉटर नीडेड फॉर एलिमिनेशन. अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, एक ग्राम अमोनिया को बाहर फेंकने के लिए 300 से लेकर 500 ml वॉटर चाहिए रहता है. Whereas, एक ग्राम यूरिया को बाहर फेंकने के लिए सिर्फ 50 ml पानी चाहिए रहता है बेटा. Whereas, एक ग्राम यूरिक एसिड को बाहर फेंकने के लिए Only 5-10 ml of water is needed. अब यहां एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट यह हो जाता है कि सर अमोनिया अगर रेडिली सोल्यूबल है, अगर वो पानी में आसानी से मिक्स हो जा रहा है, तो उसको इतना ज्यादा पानी क्यों चाहिए. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. अमोनिया रेडिली सोल्यूबल है, यानी पानी में मिक्स हो जाएगा जल्दी, बट अमोनिया को कैसा है ना, हम लोग बॉडी में ज्यादा देर तक रख नहीं सकते क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है. अब जैसी अमोनिया बना, तुरंत उसको फेंक देना बॉडी के बाहर डिफिकल्ट है, और उसको अगर रखे रहोगे बॉडी में तो वो तो टॉक्सिक है. इसलिए बॉडी क्या करता है, बॉडी उसको इतने सारे पानी में डाइल्यूट करके रखता है. ओके, सो 300-500 ml ऑफ वॉटर, वेरस यूरिया एंड यूरिक एसिड 50 and 10 ml के आसपास, याद रखो. Important. Next example. अब ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके बॉडी में से अमोनिया मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है. देखो मैं तुमको इजी लैंग्वेज में बोलता हूं. कभी सोचा है बेटा, हम लोग ने ये इंग्लिश वर्ड यूरिन क्यों रखा है? यूरिन इसीलिए रखा है क्योंकि यूरिन में जो मेन कचरा है, जब उसका हम लोग टेस्टिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, लेबोरेटरी में चेकअप करवाएंगे ना, तो हम सबके यूरिन में मेन कचरा है यूरिया, इसलिए वो लिक्विड का नाम ही यूरिन रख दिया. अब यूरिया फेंकने वाले ऑर्गेनिजम्स में सबसे मेन ऑर्गेनिज्म कौन है? मैमल्स. यानी हम सब मैमल्स, हम लोग ये कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये याद रखो. सो जिस तरह से हमारे यूरिन में यूरिया होता है, वैसे ही कुछ कुछ जानवरों के यूरिन में अमोनिया होता है, so they are monotelic. कुछ कुछ जानवर के यूरिन में यूरिक एसिड होता है, so they are uricotelic. Now let's see the example for monotelic organisms. अब इतना सारा पानी चाहिए अगर, so इसका example mostly aquatic animals होंगे ना बेटा. So aquatic invertebrates, then bony fish. बोनी फिश यानी फ्रेश वाटर फिश. नेक्स्ट, एक्वेटिक एम्फीबियंस ओके, एंड अनदर एग्जांपल यू विल रिमेंबर एक्स्ट्रा इज प्रोटोजोआ. अब यहां जहां एक्वेटिक ज्यादा है ना, ये देखो सारे पानी के ही जानवर है. क्यों? क्योंकि इतना पानी उनको ही परवड़ेगा ना. यहां पे द कॉमनेस्ट एग्जांपल इज ए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो लैंड पे रहते हैं. वहां एग्जांपल बोनी फिश है, यहां पर एग्जांपल है कार्टिलेजिनस फिश. कार्टिलेजिनस फिश में यू कैन रिमेंबर शार्क एज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. इफ यू कैन रिमेंबर एक्स्ट्रा, देन रिमेंबर रे, स्टिंग रे. ओके, ऐसी तरह तरह की मछलियां आती हैं बेटा, वो लंबे स्टिंग वाली होती है ना, दैट इज रे.
सो कार्टिलेजिनस फिश भी इस कैटेगरी में आता है। अच्छा, जितने भी एक्वेटिक एम्फीबियंस है यानी इन एम्फीबियंस के बच्चे, उसको हम लोग लार्वा बोलते हैं। वेरस जितने भी अडल्ट एम्फीबियंस है ना, वो यहां पर आएंगे बेटा। अब लार्वा और एक्वेटिक एम्फीबियन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है टैडपोल, यानी मेंढक का बच्चा। सो जब वो बच्चा रहता है ना, तब उसके बॉडी में से अमोनिया निकलता है, और जब वो अडल्ट फ्रॉग बन जाता है ना, तो उसके बॉडी से यूरिया निकलता है बेटा। इतना तुमको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, वेरस यूरिकोटेलिज्म में वी विल रिमेंबर द एग्जांपल एज बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेल्स, सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल, इतना याद रखने का। अब देखो ना, स्नेल, रेप्टाइल, बर्ड्स, अब इनके बॉडी से हार्डली इतना ही वाटर एफोर्ड हो पाएगा बेटा। सो ये सबसे क्लासिक एग्जांपल है। अच्छा, लास्टली, अदर देन अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्वानोटेलिज्म। ग्वानोटेलिज्म वो होता है जिसके बॉडी में से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ग्वानिन निकलता है, ग्वानिन नाम का कचरा निकलता है। ये किस में देखा जाता है? दिस इज सीन इन स्पाइडर, इट इज सीन इन स्कॉर्पियंस, एंड इट इज सीन इन पेंगुइन। ओके, इतना याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज ग्वानोटेलिज्म। नेक्स्ट वन थिंग एक्स्ट्रा यू कैन रिमेंबर इज, जो भी अमोनिया बॉडी में तैयार होता है ना, वो अमोनिया बॉडी के बाहर फेंका जाता है थ्रू डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन मतलब क्या? डायरेक्ट। ओके, इट्स अ डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। यानी अमोनोटेलिज्म एनिमल्स में जो भी अमोनिया तैयार हुआ ना, बॉडी के बाहर डायरेक्टली फेंक दिया जाएगा, ईदर थ्रू द स्किन और थ्रू द गिल्स। मछलियों के पास गिल्स होता है ना बेटा, बट इनमें वेल डेवलप किडनीज नहीं होती है बेटा। ओके, नेक्स्ट, यूरिकोटेलिज्म जो जानवर है ना, ये लोग जो भी वेस्ट प्रोडक्ट पास करते हैं ना, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ईदर अ पेलेट और अ पेस्ट। पेलेट और पेस्ट का बेस्ट एग्जांपल है तूने बर्ड्स का, वो यूरिन और स्टूल देखा है ऐसा, विच बिकम्स अ ग्रेन लाइक पार्टिकल, जिसमें पानी बहुत कम रहता है बेटा। ओके, और बाकी बचा कुचा कचरा। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, अमोनोटेलिज्म वर्सेस यूरियोटेलिज्म वर्सेस यूरिकोटेलिज्म। इसका प्रॉपर नोट्स बना के रखो, ओके, और इसको रिवाइज करो। उसके बाद गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कुछ भी पढ़ लो, तुमको आसानी से ये समझ जाएगा बेटा। और इसके एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। कोई अगर डाउट हो तो तुम मुझे मैसेज करो। एंड टिल देन, कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग। Give lots and lots of love and effort to this subject biology, because biology will give lots and lots of respect, lots and lots of success to you and your family in return by giving you two alphabets for life, that is Dr. DR. I must tell you that ki in the recent NEET 2020 exam, two of my students, one Afreen Sheikh, she has got 326 out of 360 in biology. Another student, पारुल सिंह, हैज गॉट 320 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। सो अगर तुम सही से मेहनत करोगे, सही से ध्यान दोगे, तो अवस्थी सर है यहाँ पे, तुमको कंप्लीट गाइडेंस देंगे, एंड आई एम टेलिंग यू दैट कि योर लाइफ विल चेंज। मुझे कितनी खुशी होती है, मुझे कितना गर्व होता है ये कहते हुए, आई फील सो हैप्पी दैट आई वॉज बॉर्न एज वैभव बट आई विल डाई एज डॉक्टर वैभव। You understand this? So keep reading. Thank you, beta.